तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज का हमारा जो प्यारा बच्चों टॉपिक है वो है लैंड यूटिलाइजेशन, पैटर्न्स ऑफ यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में देखा था और हमने देखा था कि हमारे इंडिया में मेजरली तीन टाइप के लैंड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, ये जो तीन टाइप के लैंड रिसोर्सेज हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं, इसमें कैसे कैसे तरह से हम लैंड को यूटिलाइज करते हैं, मतलब ये लैंड्स कैसे कैसे एक तरह से इसको हम यूज में लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लैंड यूटिलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट देखेंगे वो है फॉरेस्ट, मतलब हमारे इंडिया में जितनी भी लैंड है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा किस में जाता है, हमारे फॉरेस्ट में जाता है। तो बहुत ज्यादा एरिया किसने कैप्चर कर रखा है, हमारे फॉरेस्ट ने कैप्चर कर रखा है, फॉरेस्ट ने एक तरह से फॉरेस्ट का स्प्रेड हो रखा है बहुत सारे एरियाज में, जो कि बहुत अच्छा है। बट धीरे धीरे करके, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे करके फॉरेस्ट भी धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और एफॉरेस्टेशन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। दूसरी टाइप की बच्चों जो हमारी लैंड होती है वो कौन सी होती है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी लैंड बच्चों जहां पे हम उगाई नहीं कर सकते, जहां पे हम फसल नहीं ग्रो कर सकते, उसको हम बोलते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब बच्चों इसमें दो टाइप की लैंड आती है, हम कहां कहां पे फसल नहीं उगा सकते। पहली लैंड होती है, इसको हम बोलते हैं बैरन लैंड या फिर वेस्ट लैंड। कौन सी लैंड, पहली वाली? सेकंड का पहला पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, बैरन लैंड या फिर वेस्ट लैंड। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि कुछ कुछ जमीन आपने सुना होगा बंजर जमीन है, मतलब इस जमीन में बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो बच्चों जब जमीन में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे तो क्या वहां पे फसल ग्रो होगी, नहीं होगी। तो वो किसके अंडर में आएगी, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। क्लियर? अब बच्चों लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन की जो सेकंड टाइप की लैंड है वो कौन सी है बच्चों, लैंड्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। अब बच्चों कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जो उपजाऊ भी हो बट वहां से रोड निकलती है, वहां पे आपने घर बना रखा है, वहां पे स्कूल बनी हुई है, ठीक है, वहां पे फैक्ट्री बनी हुई है, तो उस जमीन पे तो आप क्या कर सकते हो, खेती कर नहीं सकते, वहां पे तो आप फसल नहीं उगा सकते। तो वो भी किसके अंदर में आती है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। यहां तक बात क्लियर? तीसरी टाइप की बच्चों जो लैंड होती है वो कौन सी होती है, अदर अनकल्टीवेटेड लैंड। अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, उसके ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, मतलब इसमें फैलो लैंड को नहीं इंक्लूड करेंगे। फैलो लैंड क्या होता है उसको हम बाद में देखेंगे, बस अभी फिलहाल ये देखते हैं कि अदर अनकल्टीवेटेड लैंड कौन सी होती है, मतलब ऐसी कौन सी लैंड होती है जो अनकल्टीवेटेड है, मतलब जहां पे उपजाऊ नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। इसमें नंबर वन आएगा परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। आपने सुना होगा मंदिर के पास चरवाहा भूमि होती है, चरवाहा भूमि का मतलब क्या है, वहां पे क्या है, गाय क्या करती है, गौचर एरिया, नाम सुना होगा आपने गौचर एरिया, जहां पे गाय क्या होती है, चरती हैं, आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा। तो कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं बच्चों जहां पे क्या होते हैं, जो कैटल्स होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, अपना बस खाना खाते हैं, घास खाते हैं, तो वो जमीनें इसके अंदर में आएगी। ऐसा नहीं है बच्चों बैरन लैंड है बट वहां पे कोई खेती नहीं होती, वहां पे सिर्फ क्या होता है, जो घास उगती है उसको जानवर खाते हैं। दूसरे टाइप की जो लैंड हो गई अनकल्टीवेटेड में कौन सी है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुव्स। अब कुछ कुछ ऐसी लैंड होती है जहां पे स्पेशल टाइप के ट्रीज उगते हैं, जैसे आपने सुना होगा साल, डियोडार, जिसको आप देवदार कहते हो, साल, देवदार, सैंडलवुड। तो बच्चों जो ये जो पर्टिकुलर पेड़ होते हैं ये पूरे, जैसे मान लो एक पेड़ है पूरा पूरे एक स्ट्रेच में उग रहे हैं, दो दो किलोमीटर, चार चार किलोमीटर तक उग रहे हैं, तो ऐसी जमीनें भी किसके अंदर में आएगी, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप के अंदर, जो क्या होगा अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, मतलब यहां पे आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हो। क्लियर? और इसमें जो तीसरी टाइप की लैंड आएगी वो कौन सी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। वापस सुनना, कल्चरेबल वेस्ट लैंड।
कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब क्या है? आपने जानबूझ के उस जमीन को छोड़ा है, ठीक है, एग्रीकल्चर आप उस जमीन पे नहीं कर रहे, जानबूझ के आपने छोड़ा है, कितने सालों के लिए? 5 साल से ज्यादा। मान लो आपके पास एक जमीन है गांव में और आप यहाँ शहर में रहते हो और पिछले 7 साल से वहां पे कुछ भी नहीं उग रहा है, खाली जमीन पड़ी है, तो वो किसके अंदर आएगी? वो आएगी किसके अंदर? कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर आएगी। वो 7 साल से जमीन खाली पड़ी है प्यारे बच्चों, तो किसके अंदर आएगी? कल्चरेबल वेस्टलैंड। ऐसी खाली जमीन जो मोर देन 5 ईयर्स तक खाली है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? कल्चरेबल वेस्टलैंड। और चौथी टाइप की लैंड है बच्चों, कौन सी होती है? फैलो लैंड। फैलो लैंड, अब फैलो लैंड देखो दो प्रकार की होती है। फैलो लैंड मतलब क्या है? पहली लैंड जिसको हम कहते हैं करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब क्या है? आपने 1 साल से कम समय तक क्या कर रखा है? जमीन को खाली छोड़ रखा है। जैसे मान लो आपने जमीन, आपके पास जमीन है, आप मान लो पिकनिक बनाने गए कहीं 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद वापस आए और आपने खेती करना चालू कर दी, तो 6 महीने तक वो जमीन किसके अंदर आएगी? करंट फैलो लैंड में। किस में आएगी प्यारे बच्चों? करंट फैलो लैंड में। तो करंट फैलो लैंड का ड्यूरेशन कितना है? लेस देन 1 ईयर। क्लियर? चलो दूसरी है अदर देन करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो का मतलब आपने जमीन को खाली छोड़ रखा है कितने सालों के लिए? 1 से 5 सालों के लिए। 1 से 5 सालों के लिए। बात क्लियर है या नहीं आई बात समझ में? एक बार मैं आपको वापिस क्लियर कर देता हूं तीनों बातें। अगर मान लो आपने जमीन 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 12 महीने के लिए खाली छोड़ी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? करंट फैलो। क्या बोलेंगे बच्चों? करंट फैलो। अगर मान लो आपने जमीन 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 4.25 साल के लिए खाली छोड़ी है, तो वो किसके अंडर में आएगी? अदर देन करंट फैलो। और मान लो आपने जमीन अगर खाली छोड़ रखी है 7.5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल के लिए, तो किसके अंदर आएगी प्यारे बच्चों? कल्चरेबल वेस्टलैंड। समझना तीनों चीजें, 1 साल से कम तो करंट फैलो, 1 साल से 5 साल के बीच में तो अदर देन करंट फैलो, और 5 साल से ज्यादा मतलब कल्चरेबल वेस्टलैंड। बात क्लियर? चलो अब दो टर्म्स आपको याद रखनी है, एक होता है बच्चों नेट सोन एरिया और एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब देखो नेट सोन एरिया क्या होता है और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, समझने की कोशिश करना। देखो मान लो आपके पास एक जमीन है, आपके पास एक प्लॉट है, मान लो वो मान लो है 200 गज का, वो मान लो कितने गज का है? 200 गज का। सुना मेरी बात, वापस सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक प्लॉट है, वो कितने गज का है? 200 गज का है। आप 50 गज में रहते हो और बाकी 150 गज में क्या करते हो? खेती करते हो। क्लियर? 150 गज में बच्चों क्या करते हो? खेती करते हो। तो आपका नेट सोन एरिया कितना हो गया बच्चों? 150 गज। आपका नेट सोन एरिया बच्चों क्या हो गया? 150 गज। समझने की कोशिश करना, 150 गज हो गया आपका नेट सोन एरिया। क्यों? क्योंकि आप खेती साल भर कितने एरिया पे करते हो? 150 गज पर करते हो। तो 150 गज क्या हो गया प्यारे बच्चों? आपका नेट सोन एरिया। गज यूनिट होती है बच्चों एरिया नापने की, ठीक है। अगला है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मान लो आप पहले साल के 6 महीने मान लो राइस उगाते हो और फिर साल के 6 महीने वीट उगाते हो। वापस सुना मैं क्या कह रहा हूं, साल के 6 महीने उस जमीन पे राइस उगाते हो, 6 महीने बाद फसल काट देते हो और 6 महीने बाद 6 महीने के लिए क्या उगाते हो? वीट उगाते हो। अब सुनना मेरी बात, आपने उगाया कितने एरिया पे? 150 गज पे। तो आपका नेट सोन एरिया कितना हो गया प्यारे बच्चों? 150 गज। बट सुनना मेरी बात, आपने साल भर कितने एरिया पे उगाया, मतलब टोटल कितना एरिया उगाया है? देखो 150 गज तो पहले 6 महीने और 150 गज अगले 6 महीने, नहीं है बात समझ में? वापस सुनो मेरी बात, आपने उगाया तो 150 गज पे है, बट 6 महीने उगाया, फिर फसल काट दी, फिर नया 6 महीने उगाया, मतलब आपने टोटल साल भर में कितना उगाया? 300 गज उगाया ना, 150 पहली बारी में, 150 दूसरी बारी में। ऑल दो पीस ऑफ लैंड सेम था बट साल भर में आपने 300 गज उगाया। तो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। सुनना मेरी बात, 150 गज तो क्या था बच्चों? नेट सोन एरिया। वेयर एज 300 गज क्या है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया।
और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्यों बोला? क्योंकि आपने 150-150 दो बार उगाया है, चाहे सेम लैंड पे उगाया बट दो बार उगाया है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है। अब वो जो पीछे मैंने आपको ये जो डेटा समझाया था, याद करो तो ये वाला डेटा ध्यान से देखो, ये जो मैंने आपको समझाया इसका आपको मैं डेटा दिखा देता हूँ, वैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा आपका डेटा है, पूरा ग्राफिकल फॉर्म में है कि कौन सा एरिया कितना है, वेस्ट लैंड कितना है, स्क्रब एरिया कितना है, फॉरेस्ट कितना है, एग्रीकल्चर कितना है। क्लियर? याद करने की जरूरत नहीं, वैसे एक मोटा मोटा लेआउट आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलो तो बाकी बच्चों हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों खुश रहिए।